जब हमने ये चैनल स्टार्ट किया था तो ये वीडियो हमारा सबसे पहला आइडिया था, और हमारे चैनल पे जो सेकंड वीडियो है वो इसी वीडियो का पहला पार्ट है, और आज 10 महीने बाद पेशे खिदमत है सेकंड पार्ट। हाँ भाई पब्लिक, मजे आ रहे हैं? वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ हॉट टेक्स। आई नो काफी लंबा वक्फा आ गया है, बट फाइनली वी हियर। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना ताकि फ्यूचर की वीडियोस मिस ना हो। और हाँ, अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा तो यहाँ ऊपर कहीं लिंक आ रहा होगा, पहले वो जाके देख लो, उसके बाद यहाँ आ जाना, कोई जल्दी नहीं है। अब हॉट टेक होता क्या है? किसी भी पॉपुलर या अनपॉपुलर ओपिनियन पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना। अब वो सपोर्ट में भी हो सकता है और अगेंस्ट भी। ओके, बराबर है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला हॉट टेक है वैक्सीन और नो वैक्सीन। एक तो हमारे मुल्क में कुछ हो या ना हो, कंट्रोवर्सी पहले बन जाती है, और ऊपर से खान साहब ने रोजगार का वादा करके आधी आवाम को तो वेला छुड़ा हुआ है। अब पूरी दुनिया में वैक्सीन लगाने का रेशियो ऑलमोस्ट 50% है, लेकिन नहीं, मेरे चाचा के बेटे के मामू के ताया ने व्हाट्सएप करा है कि वैक्सीन लगाने से मर रहे हैं, तो मैं नहीं लगाऊंगा। अरे कभी जिंदगी में गवर्नमेंट तो छोड़ो, घर वालों ने तुम्हारा सोचा जो इतनी साजिशें करके तुम्हें मारेंगे, बड़े हो जाओ और जाके वैक्सीन लगाओ। हॉट टेक नंबर 2, एंड्रॉइड या एप्पल? अब देखो, पहली बात तो ये आईफोन है भाई। तेरे पास कौन सा है? सैमसंग ना? चुप कर रहे। आधी आवाम जो आपको आईफोन के फेवर में मिलेगी वो ज्यादातर वो लोग हैं जो पिछले 5 साल से ईदी जमा करके आईफोन लेने के ख्वाब देख रहे हैं, या फिर आईफोन 12 के जमाने में 6 यूज करके बाथरूम सेल्फीज डाल के खुद को कूल समझते हैं। नहीं, मान लिया आईफोन का लोगो अच्छा लग रहा है, मगर जिंदगी में मिरर सेल्फीज लेने के अलावा भी बहुत सारे काम हैं। और हाँ, फोन चार्ज कर लो। चलो अब आते हैं सैमसंग पे। सैमसंग की एस और नोट सीरीज बहुत अच्छी हैं, परफॉर्मेंस में भी और प्राइसेस में भी। हॉट टेक नंबर 3, बैठक चाय या एक्सप्रेसो कॉफी? अब यार, जो नशा पठान के हाथ की चाय में है वो शायद ही दुनिया की किसी और चीज में हो, ये हम बॉयज से ज्यादा कौन बेहतर जान सकता है। चाहे यूनि का ब्रेक हो, शाम का वक्त हो, या फिर लेट नाइट स्टडीज, हर चीज का दी एंड बैठक पे ही होता है। वो यारों की संगत और एक कप चाय, बेस्ट लव स्टोरी। अब एक्सप्रेसो कॉफी में वो बात कहाँ जो चाय में है। चाय तो सर्दी से लेके गर्मी हर वक्त की जरूरत है, अक्सर जगह तो इसे नशे की तरह इस्तेमाल किया जाता है। चल यार बैठक चलते हैं, चाय की बहुत टाइम हो गया। हॉट टेक नंबर 4, मॉर्निंग फॉर ट्रेंड्स। मतलब सिर्फ ट्रेंड फॉलो करने के लिए आप सेंटिमेंटल पोस्टिंग कर रहे हैं और आवाम भी आपको भर भर के रीच दे रही है। In my point of view, this is a most hypocritical thing one can do. क्योंकि दूसरों के दर्द से खेलना और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना, ये कोई इंसानियत नहीं है। मतलब सिर्फ आप ट्रेंड फॉलो करने के लिए ही सेंटिमेंटल पोस्टिंग कर रहे हैं और आवाम भी आपको भर भर के रीच दे रही है। कभी सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होती क्या, या फिर जमीर मर गया तुम्हारा? मगर सच तो ये है कि आजकल ये सब आम हो चुका है, और ये सब चीज़ें देख के ही आप ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हैव वी कम टू फार। हॉट टेक नंबर 5, ये मजेदार है, तला अंजुम वर्सेस तला यूनस। अब बात करीजिए बेस्ट रैपर्स इन दिस रीजन की, और वायस ना है तो क्या फायदा, दोनों ही बॉयज ने हिप हॉप के लिए बहुत कुछ किया है। एंड आई हैव टू से कि कंपेयर जैसे रोनाल्डो मेसी का नहीं बनता, बाबर विराट का नहीं बनता, नवाज शरीफ और जरदारी का नहीं बनता, वैसे इनका भी नहीं बनता। दोनों की अपनी खासियत है, अपना स्टाइल है, वी शुड अप्रिशिएट बोथ, ये नहीं कि किसी एक को अब्बू बना लें। अरे यार यूनस की बात ही अलग है, बना लें अब्बू। हॉट टेक नंबर 6, बाबर विराट। मेरे ख्याल में वक्त आ गया है कि बाबर और विराट का कंपैरिजन कर लेते हैं, क्योंकि बाबर के अर्ली डेज में कंपैरिजन करना फेयर नहीं था, लेकिन अब जब बाबर हैज ग्रोन एंड ही इज डूइंग रियली वेल, तो कंपैरिजन करना बनता भी है। जितने मैचेस बाबर ने खेले हैं उतने मैचेस अगर विराट के करियर के उठा के देखें तो बाबर इज वे अहेड, ही इज नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन यार, कम ऑन, दैट इज समथिंग। बट इन विराट्स डिफेंस, जब विराट कोहली को कैप्टेंसी मिली तो उसके स्टैट्स स्काई रॉकेट कर गए थे, तो बाबर हैज अ लॉन्ग वे टू गो। हॉट टेक नंबर 7, कटना जरूरी है। देखो, मोहब्बत भी जरूरी है और कटना भी जरूरी है। जब मोहब्बत में उड़ते हुए बंदे को पता चलता है कि उसका काट दिया गया है, तो उसका दिल और दिमाग दोनों ही हिल जाते हैं, और वो सोचता है आखिर मैं ही क्यों। आधा दिन स्टिंग चाय और सुट्टे के साथ गुजरता है, और आधा दिन घर वालों की गालियों के साथ। दोस्तों को मैसेज जाता है कि भाई आखिरी बार मिल लो, क्या पता कल हो ना हो। हॉट टेक नंबर 8, निकाह या पार्टनरशिप? निकाह विद पार्टनरशिप, यस, शादी एक पार्टनरशिप की तरह होनी चाहिए, बट पहले निकाह होना चाहिए।
दोनों का इक्वल इनपुट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पार्टनरशिप करके आप एक साथ रह रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप चल रहा है क्या यहाँ पर? कीप इट हलाल बॉयज। हॉट टेक नंबर 9, हानिया आमिर वर्सेस अलीजे शाह। एक जमाने में दोनों क्रश हुआ करती थी, लेकिन वक्त और फेम के साथ साथ असल चेहरा वार आता रहा। एक तो इंटरनेट की ड्रामा क्वीन बनी है और दूसरी को टॉम बॉय बनना है। फिर जब जिन लोगों ने आपको इतना चढ़ाया हुआ था वो आपसे सवाल करते हैं तो फिर फौरन बुरा लग जाता है कि माई लाइफ माई रूल्स। अब आप कुछ भी कह लो हमारी आवाम को, लेकिन कपड़े पहनाने में और फेक सिंपैथी क्वीन को एक्सपोज करने में हमेशा सबसे आगे रहती है। हॉट टेक नंबर 10, आशीर्वाद या शाविर जाफरी। द बैटल ऑफ बीइंग मोर क्रिंज, नो पर्सनल हेट टू देम, बोथ आर यंग एंड बोथ आर टैलेंटेड एंड बोथ हैव अ लॉन्ग वे टू गो, बट डूड व्हाई? शाविर जानी, डोंट ओवरडू स्टफ। आवाम हंस रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी तारीफ कर रही है, मजाक भी उड़ा सकती है। एंड आशीष जानी, थोड़े बड़े हो जाओ, वॉइस को थोड़ा मेच्योर कर लो। ठीक है आपके डैडी प्रोड्यूसर हैं, मगर इसका मतलब ये थोड़ी कि कुछ भी बना लोगे। थोड़े एक्सप्रेशंस, थोड़ा वॉइस, कुछ देखो यार, करने से कोई मना नहीं कर रहा। अब उम्मीद है कि ये हॉट टेक आपने खाली अपने दिल में ही लिए हों, क्योंकि ये हमारा पर्सनल ओपिनियन है, नो हेट टू एनीवन। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट तो बनता ही यार, और कमेंट सेक्शन में अपना फेवरेट हॉट टेक भी बताओ। बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं। हैकर बॉयज आउट।